माननीय अध्यक्ष जी, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। मैं अधीर रंजन जी को इतना ही कहना चाहता हूं कि आपकी सरकारों ने भी, मैं ही वीडियो कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करता था, हर मुख्यमंत्री जी ने मोदी जी का धन्यवाद किया है, हर मुख्यमंत्री का, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी। और मोदी जी ने भी हर मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया है। दानिश जी, डर आपके जहन में हो सकता है, सबके जहन में नहीं हो सकता है। सब कुछ डर कर नहीं होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी होती है और प्रयासों को, विरोधियों के प्रयासों को, राजनीतिक विरोधियों के प्रयासों को भी सराहने की स्पिरिट भी होती है। और इस स्पिरिट के तहत मुख्यमंत्री जी ने भी, प्रधानमंत्री जी ने भी सभी मुख्यमंत्री को धन्यवाद किया है कि आपने बहुत अच्छा काम किया और एक अच्छे, बहुत अच्छे माहौल में। और ये कह रहे थे कि आप पार्टी को, गौरव भाई कह रहे थे आप पार्टी को काम नहीं करने दिया। गौरव भाई, आपको मालूम नहीं है, मुख्यमंत्री ने मेरे साथ आने के लिए मना कर दिया था। मैं गया था लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के अंदर, लाशों के ढेर लगे थे, उन्होंने मुख्यमंत्री सब, आप पार्टी को नहीं करने दिया बोले हैं भाई। मैं लिखता हूं ना, दिल्ली में कौन था, तो आप पार्टी मतलब नहीं, नहीं काम नहीं करने दिया। आप बैठिए, अब हो गया, अरे अधीर रंजन जी रजिस्टर हो गए, बैठिए। लाशों के ढेर लगे थे, अंतिम संस्कार नहीं होते थे, वैक्सीनेशन का फॉर्मूला नहीं था, अस्पतालों के रेट तय नहीं किए गए थे। ये सारा मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने किया, क्योंकि हम मूक दर्शक बनकर नहीं बैठ सकते। और हमने कहीं पर नहीं किया, जिक्र निकाल दिया तो मुझे बोलना पड़ा, क्योंकि गृह का जो रिकॉर्ड है वो सालों सालों तक रहता है, अजरा अमर होता है, आने वाली पीढ़ियां इसको पढ़ती है। इसलिए उन्होंने मुझे बोला, इतने सारे भाषणों में, चुनावी भाषणों में, कोई प्रेस इंटरव्यू में मैंने आज तक कभी नहीं कहा, मगर यहां पर इसलिए मुझे बोलना पड़ता है कि इसका एक रिकॉर्ड बनता है। माननीय अध्यक्ष जी, हमें कहा गया कि चुनाव से डरकर हमने ये बिल लेकर आए, भाई हम तो डरे नहीं है चुनाव से। सुने ना, सुने, अधीर रंजन भी बोले, नहीं नहीं मैं आपको ना कह ही नहीं रहा हूं, कहा गया ऐसा कर बोला हूं, चुनाव से डरकर आ, डरने का स्वभाव हमारा नहीं है। चुनाव में हार जीत होती रहती है, तो इसी का निरसन कर रहा हूं, सुनिए ना। मैं मगर मैं चुनाव से डरकर कैसे काम होता है वो बताता हूं। इंदिरा जी का चुनाव इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया, उसके बाद रातों रात जिस प्रधानमंत्री को इस सदन में वोट देने का अधिकार नहीं था, वो प्रधानमंत्री ने देश भर के सारे लोकतांत्रिक अधिकार छीनकर इमरजेंसी डाली, इसको डर कहते हैं, इसको डर कहते हैं। लोकसभा की मियाद एक साल बढ़ा दी, इसको डर कहते हैं। और सुनिए सुनिए, अभी सुनिए ना, सुनिए, माननीय अध्यक्ष जी, इमरजेंसी डर कर लाई गई थी, सारे लोकतांत्रिक पार्टियों के नेताओं को, लाखों लाखों लोगों को डर कर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। सारे अखबारों के एडिटोरियल यहां से तय होते थे, आकाशवाणी पर एक प्रसिद्ध गायक की आवाज को बैन कर दिया गया था, ड्यूएट गाने भी सिंगल आवाज में आते थे, इसको डर कहते हैं। और क्या होगा मैं बताता हूं, जो लोग कह रहे हैं ना कि डर चुनाव के लिए, चुनाव के कारण डर से ये टाला गया है, वो डरते हैं।
तो 6 महीने बाद चुनाव होगा, क्यों क्यों डर है भाई? जनता ही करेगी। अगर जीतने का विश्वास है तो अभी क्यों चुनाव चाहिए? मैं देता हूं बाद में क्यों किया इसका जवाब भी। अगर जीतने का विश्वास है तो क्यों अभी ही चुनाव चाहिए? अच्छे काम किए तो 6 महीने बाद भी चुनाव जीत सकते हो। डर इसको कहते हैं कि अभी चुनाव करा लो, आनंद फानंद में जीत जाए। मगर माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहने आया हूं कि अगर किसी को डरना है तो किसको डरना है? ये 5 राज्यों के चुनाव का हवाला देकर कहते हैं कि परिणामों से भारतीय जनता पार्टी डर गई और आप पार्टी से डर गई। उत्तर प्रदेश में आप पार्टी 349 सीटों पर चुनाव लड़ी, सभी पर जमानत जब्त। उत्तराखंड में 70 सीटों पर चुनाव लड़ी, 68 सीटों पर जमानत जब्त। गोवा में 39 सीटों पर चुनाव लड़ी, 35 सीटों पर जमानत जब्त। पंजाब में अच्छा परफॉर्म करा, मणिपुर गए नहीं। हम किससे डरे भाई? आपका भी बताता हूं, बैठो, कांग्रेस का भी बताता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इस विषय पर भी मैं आता हूं भाई। अब मैं सुनिए, कांग्रेस पार्टी के काफी सांसद बोले डरना। भाई हम क्यों डरे? हमें डरने जैसे परिणाम ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी 454 सीटों पर चुनाव लड़ी, कांग्रेस पार्टी 575 सीटों पर चुनाव लड़ी, 475 सीटों पर जमानत जब्त। अब डरना किसको है भाई? डरना किसको है? देश माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता को डरने की जरूरत नहीं है। हमने 4 राज्यों में सरकार बनाई है और हमें पूरा भरोसा है कि मोदी जी के नेतृत्व में जहां पर भी चुनाव आएगा हम निश्चित जीत कराएंगे। हमें कोई डरने की जरूरत नहीं। और भाई मैं आपको बताना चाहता हूं, हम तो जब 2 थे तब भी नहीं डरते थे, अब तो 302 है। और यहां से उस वक्त तंज कसे जाते थे, मैं नाम नहीं बोलूंगा नेता का वरना पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाएंगे, मगर तंज कसे जाते थे हम 2, हमारे 2। उस पार्टी का आज विपक्ष के नेता का स्टेटस भी नहीं बचा। हम नहीं डरते। चुनाव से डरना क्या? हार जीत होती रहती है, जनता का फैसला है, हमने स्पिरिट है। मैंने यही कहा, आप ट्रांसलेशन मिस्टर सुरेश, मैंने ये ट्रांसलेशन मोड पर रखिए, आप ट्रांसलेशन मोड पर रखिए। मैंने यही कहा है कि हम 2 थे तब भी नहीं डरते थे, आज 302 है क्यों डरे? ना अहंकार की बात है, ना गमी का विषय है। जनता का फैसला लोकतंत्र में सबको स्वीकारना चाहिए और ये स्पिरिट भी, इसमें डर का कोई सवाल नहीं।